So now, if I talk about the acceleration in combined translational plus rotational motion, मैं acceleration की अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक और ये क्या है v वेलोसिटी से ये इधर जा रहा है, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और इधर कितने से ओमेगा से ये घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कहा कि जब भी ऐसी स्टडी करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तो किसके किसके किस पार्ट में, एक ओनली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बनाओ और एक किस में विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये मान लीजिए आपने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू, ये मान लीजिए आपने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और ये लिख दिया मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की सिचुएशन, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। इन दोनों में हम डिवाइड करके ऐसे प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा करो कि इसको सेंटर ऑफ मास का ले लो कि सेंटर ऑफ मास की स्टडी, ठीक है ना, और इसको ले लो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये कंबाइंड ऐसा सिस्टम कुछ होगा। अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करना चाहता हूं तो मान लीजिए ये पॉइंट कुछ ले लो आप कि ओ, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट टॉप पर डी और ये पॉइंट आप ले लीजिए बी। अगर मैं सिंपली बात करना चाहता हूं सिंपल भाषा में कि एक्सेलरेशन ऑफ ए With respect to acceleration of A with respect to center of mass, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, acceleration of A minus acceleration of center of mass। acceleration of A अगर मैं बात करूंगा तो वो होगा acceleration of A with respect to center of mass plus acceleration of center of mass। अब मानिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ओमेगा से भी घूम रहा है और ये क्या है, इसका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका दिया है। क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा भी दिया है, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं वो मान लीजिए ए दे रखा है, समझ आ रही है, वो कितना दे रखा है ए और वी क्या है इसकी वेलोसिटी। खैर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, ओनली किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम एक्सेलरेशन भी लिख ओनली सकते हैं। तो ये ए दे रखा है आपको एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसकी बात करें हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो चीजें बदल जाती हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में बात करूं तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये सारा का सारा जो पार्टिकल्स है वो किस में जाएंगे, सर्कुलर मोशन में जाएंगे। सारे के सारे किस में जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में है तो इनका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है और ओमेगा क्या है इन सबकी, एंगुलर बोलो ओमेगा क्या है इनकी सबकी, बोलो एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी बात ये होगी कि अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैं इनके एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं तो ध्यान से समझें, इसका एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर मैं इस पर देखूं, कोई भी पार्टिकल इस बॉडी पे देखूं तो वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन में है, और जब भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल होता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एक रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर बोले तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इसके पास में एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और वो कितना होगा बोलो, अल्फा इनटू आर, ठीक है। ये किसके पास है बोलो, ये किसके पास हो रहा है बोलो, ए के पास, ठीक है। एक और एक्सेलरेशन होगा, वो होगा रेडियल एक्सेलरेशन, वो इस डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं इस डी पॉइंट पे भी, इधर एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर और एक इधर होगा वो होगा रेडियल एक्सेलरेशन, क्या होगा रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे इस पॉइंट को देख लीजिए, इस पॉइंट पे भी एक इधर होगा रेडियल एक्सेलरेशन कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर। ऐसे अगर मैं
इस पॉइंट को देखूं तो इसके पास में एक इधर होगा आपका अल्फा आर और एक ऊपर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे कोई आर्बिट्री कोई रैंडम पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं पी, तो उसके पास भी एक इधर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा वो होगा अल्फा आर। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो आपको ए दे रखा है, समझ आ रही है। तो जितना यहां देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है उसमें एक तो ये आ गया और एक ये हो गया, इसके दो पार्ट डिवाइड में हो गए। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में पता क्या क्या हो गया, ए टी और ए आर। ए टी क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए आर क्या है रेडियल एक्सेलरेशन। तो अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉइंट का अगर नेट एक्सेलरेशन लिखना है तो वो पता क्या है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस उसका रेडियल एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल। तो दो कंपोनेंट्स तो पता लग गए एक्सेलरेशन के, एक और कंपोनेंट हमारा अगर देखना जाए तो एक कंपोनेंट सभी के पास में, सभी के पास में चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, ये ए हो उसके भी पास में इधर ए, डी हो उसके भी पास में इधर ए, चाहे ये कौन सा है बी है इसके भी पास में इधर ए, इसके भी पास में इधर ए, ये कोई पी पॉइंट है इसके भी पास में ए इधर। अब इन दोनों को मैं मिक्स करूं तो हम बनाते हैं ये, मान लीजिए इन दोनों को मैंने मिक्स किया और इन दोनों को मिक्स करके मैंने देखना चाहा ये। तो देखिए इस ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस ए पॉइंट पर एक नीचे की तरफ कितना अल्फा इंटू आर, एक सेंटर की तरफ और सेंटर की तरफ कितना ओमेगा स्क्वायर आर, एक इधर और वो कितना है ए है। ऐसे ही अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट है ये इसकी मैं बात करना चाहूं, मान लीजिए ये एंगल दे रखा है आपको थीटा, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करना चाहूं तो इधर एक्सेलरेशन कितना है अल्फा आर और हम कह सकते हैं कि इधर एक्सेलरेशन कितना है बोलो ओमेगा स्क्वायर आर और एक इधर एक्सेलरेशन कितना है बोलो ए, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो क्या है थीटा। तो ये तीन कंपोनेंट एक्सेलरेशन के हो गए। ऐसे इसकी बात करूं तो इस पर एक इधर कितना अल्फा, हाँ हमने इन दोनों को जब मिलाया तो हमको क्या मिला, एक मिला ए इधर मिला प्लस एक अल्फा आर इधर मिला, देखो अल्फा आर प्लस ए और हम नीचे इधर कहेंगे कि एक इधर होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे अगर इसकी बात करें तो इधर ए और इधर ओमेगा स्क्वायर आर और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर होगा अल्फा इंटू आर। ऐसे ही अगर मैं इस ओ पॉइंट की बात करूं तो इसके पास में इधर ए और इधर क्या होगा और कुछ नहीं होगा और इधर कितना होगा अल्फा इंटू आर और एक ऊपर की तरफ इधर होगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट। तो आपको अगर ए का नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको देखना होगा कि ए की अगर बात करूं एक पर्टिकुलर पॉइंट ए की, तो उसके पास में ए एक कंपोनेंट इधर है एक्सेलरेशन का, एक कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर इधर है और एक कंपोनेंट अल्फा आर इधर है। तो क्या करें आप इसको नेट निकालना है तो ये इधर से मैं कहूंगा कि माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इधर, तो इनका नेट कहीं यहां आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए। और एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है तो क्या करें स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और ये क्या है ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इसका स्क्वायर। सो ऐसे हम नेट एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल निकाल सकते हैं। ये सारा मैं क्या कर रहा हूं अलग अलग, बस क्या कर रहा हूं कि दोनों को अलग अलग मैं डिवाइड कर ले रहा हूं, ठीक है। एक तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात कर रहा हूं और एक सेंटर ऑफ मास का बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लिखिए कोई एक अब निकाल लें मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। मोमेंटम की अगर बात करें तो मान लीजिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में मैंने ये रॉड ले ली, आप डिस्क भी ले सकते हैं, जैसे मैं सारी चीजें प्रूव करने के लिए अभी डिस्क ले रहा था वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बात बराबर ही है, ठीक है। तो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपको दे रखी है वी, ठीक है, और ये रॉड ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ठीक है। डिस्क भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम मत समझना, डिस्क से भी प्रूव कर सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है। अगर आपको लिखना है कि मोमेंटम लिखना है, क्या लिखना है मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम किसका लिखना है बोलो, इसका नेट मोमेंटम अगर मुझे लिखना है कि नेट लीनियर मोमेंटम मैं क्या लिखूंगा इस पूरी बॉडी का, इस पूरी बॉडी का अगर नेट मोमेंटम लिखना है मुझे नेट लीनियर मोमेंटम लिखना है, तो एक चीज तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं लेकिन फिर भी ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में
जा रही है, तो हम एक बार थोड़ा सा और प्रूव कर लेते हैं। तो मान लीजिए छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलके बना है, ये मान लिया है मैंने कि ये बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलके बना है, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M4, ऐसे बनेगा। तो जो पी नेट होगा वो क्या होगा बताइए आप, पी नेट खुद ही आप बताइए। तो पी नेट जो होगा वो होगा स्मॉल मास, मान लीजिए M1 यहाँ पे, M2 यहाँ पे, M3 यहाँ पे, M4 यहाँ पे, M5, M6, M7, M8, बहुत सारे क्या है पॉइंट मासेस हैं, उनसे मिलके बना है। तो उन सब मासेस का हम क्या करें, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का वेक्टर एडिशन कर दें। और वेक्टर एडिशन जैसे ही हम करेंगे, देन वी कैन फाइंड द नेट मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी। मोमेंटम की बात कर रहे हैं, बेसिकली लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी की बात कर रहे हैं, विच इज गोइंग इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। सो इफ आई टॉक अबाउट M1 मास, तो उसका वेलोसिटी कितना, V1 वेक्टर, प्लस M2 मास, उसका वेलोसिटी कितना, V2 वेक्टर, प्लस M3 मास, उसका वेलोसिटी कितना, V3 वेक्टर। ऐसे ऐसे क्या है, बहुत सारे मासेस जुड़े हुए हैं, और उन सब मासेस से मिलके ये पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि रिजिड बॉडी अगर बनी है तो सारे सारे बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलके बनी होगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ वन, मतलब किसी भी पार्टिकल वन की मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं। तो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ वन मुझे लिखनी है, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बताइए ये लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आएगा, देखो M1 VC वेक्टर प्लस V1C वेक्टर, ऐसे ही M2 VC वेक्टर प्लस V2C वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। अगर यहां देखा तो देखो क्या आया, M1 VC प्लस M2 VC प्लस M3 VC, ये तो आ जाएगा, तो ये आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ऐसे आएगा या नहीं आएगा, देखो M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय वीसी वेक्टर, प्लस एक टर्म और बचेगी M1 V1C वेक्टर, M2 V2C वेक्टर, तो ये बचेगी M1 V1C वेक्टर प्लस M2 V2C वेक्टर प्लस M3 V3C वेक्टर एंड सो ऑन, ये टर्म और बचेगी, समझ आ रही है। ये क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 सारे मासेस को जोड़ दिया, तो ये टोटल मास ऑफ द बॉडी, ये क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो दिस इज MT मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय VC मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये हो गई आपकी P नेट वेक्टर। अब मैं आपको बताता हूं इस टर्म का क्या होगा, ये टर्म आप देखें तो ये टर्म पता क्या है, जीरो आएगी, बताता हूं कैसे। देखो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ये बताइए मुझे, बोलो, ये होती है M1 V1 प्लस M2 V2 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2, यही तो होता है। अगर मैं वेलोसिटी यहां पे मैं मान लीजिए ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे कुछ लिख दूं, ये वीसी होती है, ये समझ आ गया सबको, ये समझ आ गया। अब ये देखिए इसे यहां पे ऐसे रख लीजिए, ठीक है ना, ऐसे रख लिया। अब इस टर्म को देखिए थोड़ा सा, ये टर्म क्या है, ये टर्म लिखी हुई है M1 V1 माइनस M1 VC, ये लिखी हुई है, क्योंकि हम V1C को क्या लिख सकते हैं, बोलो V1 माइनस VC, अरे V1 वेक्टर माइनस VC वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ऐसे ये जो टर्म लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, ये वाली, बोलो M2 V2 वेक्टर माइनस M2 VC वेक्टर, यही तो लिखी हुई है, और अपॉन, सॉरी ये लिखी हुई है, लिखिए ना। अब एक बार बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये देखो M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, और ऐसे यहां पे आगे तक बढ़ते जाएंगे। मैं मान लीजिए दो टर्म के लिए ओनली लिख रहा हूं, फिर अपन को समझ आ जाएगा, आगे वही टर्म सेम रिपीट करती जाएंगी, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसके एडिशन को क्या लिख सकता हूं, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, बोलो M1 प्लस M2 इंटू VC, देखो इसको लिख सकता हूं मैं M1 प्लस M2
into VC vector. यहां से लिख सकता हूं, ये किसको लिख रहा हूं मैं, M1 V1 vector plus M2 V2 vector को. M1 V1 vector plus M2 V2 vector को क्या लिख दिया मैंने, M1 plus M2 into VC, और बची टर्म क्या, माइनस M1 VC और माइनस M2 VC. मैंने इस टर्म को क्या लिखा पहले, इस टर्म को मैंने ये लिखा क्योंकि हमें पता है कि V1C को V1 माइनस VC लिख सकता हूं मैं, और मैंने इन दोनों को M1 V1 vector plus M2 V2 vector को क्या लिखा इस फॉर्मूला से, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, समझ आ रही है, हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ये क्या है फॉर्मूला है. तो हमने यहां से M1 V1 vector plus M2 V2 vector को क्या लिख दिया, M1 plus M2 into VC. ये जैसे लिखा तो ये क्या हो गया, कट पिट गए और ये जीरो आ गया. तो बेसिकली आपको मैं बता दूं ये टर्म बेसिकली क्या है, आपको बता दूं ये है जीरो के इक्वल, ठीक है. और वैसे भी सोच सकते हैं, वैसे कैसे सोच सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें ना तो वो जीरो ही है, किसी अगर नेट लीनियर मोमेंटम की बात करें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, समझ आ रही है, नेट लीनियर मोमेंटम की बात करें विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, नेट लीनियर मोमेंटम. आप देखो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हो क्या सकता है, मैंने आपको बता दिया कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोई भी रिजिड बॉडी अगर मैं देखा जाए तो कोई भी रिजिड बॉडी का कोई भी पॉइंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में या तो सर्कुलर मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा. पता है ना आपको रिजिड बॉडी का कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में या तो सर्कुलर मोशन में होगा या किसमें होगा, रेस्ट पे, समझ आ रही है. तो हम देखें कि अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कि एक बॉडी है, रिजिड बॉडी इधर जा रही है v वेलोसिटी से, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पे, इसकी v वेलोसिटी इधर कितनी है, v है सेंटर ऑफ मास की. ये बात बताइए कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का ये पॉइंट किस पे है, रेस्ट पे या चल रहा है, रेस्ट पे. यार आप खुद ही सोचो कि ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बड़ी घट रही है क्या, नहीं, रेस्ट पे, क्योंकि बॉडी किस में जा रही है, लीनियर मोशन में जा रही है. अगर ये रेस्ट पे है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट या बॉडी का कोई भी पॉइंट रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उन सारे पॉइंट्स का अगर मोमेंटम में जोड़ू तो वो क्या आ जाएगा, जीरो. समझ आ रही है. तो एक तो ये प्रूव हो गया इस चीज का, ये बेसिकली क्या है, नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब नेट मोमेंटम अगर किसी भी पार्टिकल, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये बॉडी बनी हुई है, उन सबका नेट मोमेंटम अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लूं तो क्या आ गया, जीरो इन दिस केस. दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये बॉडी क्या करे, रोटेशनल मोशन में हो, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारे पार्टिकल किस में जाएंगे, सर्कुलर मोशन में. समझ आ रही है, मतलब अगर ये सिचुएशन है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिखेगी नहीं, ओनली क्या होगा ये ऐसे घूमती हुई दिखेगी. तो ये अगर पार्टिकल इधर कितने से जाएगा मुझे बताइए, ओमेगा इंटू, अगर ये डिस्टेंस एल है तो ओमेगा इंटू एल से, और ये वाला पार्टिकल इधर कितने से जाएगा, ये ओमेगा इंटू एल से, क्योंकि अगर ये भी डिस्टेंस एल होगी तो हम कह सकते हैं ये इधर ओमेगा इंटू एल से. इस स्मॉल मास को अगर मैं डीएम बोलूं और इस स्मॉल मास को अगर डीएम बोलूं तो इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इधर है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में और इसका लीनियर मोमेंटम इधर है, तो नेट लीनियर मोमेंटम दोनों का क्या हो गया, जीरो हो गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ऐसे कोई एक पॉइंट ऊपर लो और कोई दूसरा पॉइंट नीचे लो तो उन दोनों का भी नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जीरो. चाहे बॉडी रोटेशनल मोशन में है चाहे बॉडी लीनियर मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा, जीरो होगा. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है ना. सो दैट्स हाउ यू कैन से दिस टर्म विल बी इक्वल टू जीरो. सो नाउ वी फाउंड दैट द नेट मोमेंटम इन कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन विल बी इक्वल टू एम टोटल ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय द वी सी. VC मतलब VCOM, VCOM, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. आज के बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको भूलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी का अगर नेट मोमेंटम मुझे निकालना है विद नेट मोमेंटम, नेट लीनियर मोमेंटम अगर निकालना है जो कि रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसका मास नेट और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देख लीजिए
और वही क्या हो जाएगा, नेट मोमेंटम, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी विच इज गोइंग इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन. ठीक है ना, ये एक डिस्क है या फिर डिस्क है, ये डिस्क, ठीक है ना, एक एक डिस्क है, ठीक है ना. ये डिस्क जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 रेडियन पर सेकंड. एंड ऐसी सेम डिस्क, ये भी सेम ही डिस्क है, मतलब इसका मास मान लीजिए एम है जो कि आपको 10 केजी दे रखा है और इसका भी मास आपको कितना दे रखा है 10 केजी एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 10 मीटर पर सेकंड और इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको 10 रेडियन पर सेकंड दे रखी है. और आपको मैंने दोनों क्वेश्चंस में आपको पूछा है कि फाइंड आउट द लीनियर मोमेंटम इन बोथ केसेस. अगर दोनों केसेस में लीनियर मोमेंटम चाहिए तो पी नेट जो होगा लीनियर मोमेंटम वो सिंपल एम टोटल मल्टीप्लाई बाय वी सी ओ एम होगा. तो इस केस में अगर मैं पी की बात करूं तो वो होगा इसका एम 10 मल्टीप्लाई बाय इसका 10 तो 100. और इसके भी लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो इसका भी लीनियर मोमेंटम होगा इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसके वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो इसका भी क्या हो जाएगा 100. अब कई लोगों को आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है सर, इसकी तो ओमेगा ज्यादा है और उसकी ओमेगा कम है. कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ओमेगा ज्यादा या ओमेगा कम क्या चेंज करेगा, एंगुलर मोमेंटम, वो बाद में पढ़ाएंगे हम, क्या चेंज करेगा एंगुलर मोमेंटम. बट इफ आई टॉक अबाउट द लीनियर मोमेंटम देन लीनियर मोमेंटम विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस. ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेम लीनियर मोमेंटम इन बोथ द केसेस, बट जो एंगुलर मोमेंटम जो हम आगे पढ़ाएंगे वो डिफर कर सकता है, वो अलग हो सकता है. ठीक है, लिखिए. सो इफ आई टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, तो देखिए मान लीजिए ये है और ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है एंड इसका वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना है, वी है. तो हमें पता है कि इफ आई वांट टू राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मुझे क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो. हर एक पार्टिकल, ये बॉडी मान लीजिए टोटल बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, M1, M2, M3, M4, M1, M2 and so on. ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलके ये बनी है ये बॉडी. तो अगर मुझे इसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखनी है तो मैं कह सकता हूं वो हो जाएगी हमारी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर एंड सो ऑन. समझ आ रही है, ये वी वन और वी टू क्या है, एम वन वी वन है वेलोसिटी ऑफ एम वन, वी टू है वेलोसिटी ऑफ एम टू. समझ आ रही है, ऐसे यही है वी वन और वी टू. समझ आ रही है, V1 क्या है velocity of M1, V2 है velocity of M2 and so on, बहुत सारे point masses से मिलके ये rigid body बनी है, ऐसे हम कह सकते हैं. ठीक है ना, दूसरी चीज अगर मैं कहूं कि अगर velocity of 1 की मैं बात करूं, यहां पर मैंने आपको एक और चीज बताया था कि kinetic energy को हम लिखते हैं V1 vector dot V1 vector, ये चीज लिखते हैं, शायद किसी को पता हो तो ये चीज हम लिखा करते हैं. ठीक है, ऐसे यहां पर हम लिखते हैं V2 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर. ठीक है, अगर चीजें वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को. ठीक है, तो हम कहेंगे कि V1 वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना, अगर मैं v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर निकालूं तो देखो क्या आता है, या इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, इसमें ही इसका भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, v1c प्लस vc वेक्टर डॉट v1c प्लस वी कैन से vc वेक्टर. अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये v1c का स्क्वायर, मतलब इसका इससे डॉट करेंगे तो v1c का स्क्वायर सीधा, इसका इससे डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा vc का स्क्वायर, सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि vc का स्क्वायर हो जाएगा. एंड अब क्या होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो आपको पता है क्या मिलेगा, तो सीधा हम कह सकते हैं कि v1c वेक्टर डॉट vc वेक्टर, सिंपल सी बात है. ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं, मुझे लगता नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं और बहुत ही इजीली हम इस बात को लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अगर आए हम और समझे v1.v1 को, हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही v2.v2 को क्या लिखेंगे, यहां पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, बस 1 की जगह यहां पे 2 आ जाएगा। तो देखो क्या होगा कि हाफ m1 v1c square plus vc square plus 2 v1c dot vc plus half m2 v2c square plus vc square plus 2 v1 v2c dot vc, ऐसा कुछ आएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स। अब इसको थोड़ा सा और रियलाइज करके लिखें तो देखो क्या आएगा, हाफ m1, देखो v1c, हाफ m1 v1c स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म में से आएगा हाफ m2 v2c स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है ना, बहुत सारी टर्म्स आएंगी इसकी। अब देखो दूसरी टर्म क्या आने वाली है, देखो प्लस हाफ m1 vc स्क्वायर और हाफ m2 vc स्क्वायर प्लस हाफ m3 vc स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, ये मासेस कॉमन और ये हो जाएगा vc स्क्वायर, समझ आ रही है। और जो नेक्स्ट टर्म जो बचेगी वो बचेगी हाफ m1, देखो हाफ से ये 2 कट जाएगा तो जो बचेगी वो यही बचेगी m1 m1 v1c डॉट vc m2 v2c डॉट vc, उसमें से vc कॉमन आ जाएगा तो आपका क्या बचेगा पता, v1c वेक्टर प्लस m2 v2c वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, और यहां पर डॉट में क्या लगा हुआ है आपका vc वेक्टर। और आपको पता है कि ये टर्म जो है वो मैंने अभी प्रूव किया है, ये क्या है, नेट मोमेंटम, नेट लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये टर्म मैंने अभी के अभी जीरो प्रूव किया, तो ये टर्म हो गई जीरो, बची हमारी ये टर्म और ये टर्म, ठीक है ना। इन टर्म्स को हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखने की कोशिश करेंगे, देखो क्या करेंगे हम, देखिए ये क्या है, ये है v1c, ये है v2c। अगर मैं बात करूं कोई पार्टिकल एक यहां पे ले लूं, मैं मान लीजिए यहां पे ले लिया, चलो m1, m1 यहां पे ले लिया, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखना चाहूं, तो हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये पूरी की पूरी जो डिस्क या फिर कोई भी सर्कुलर व्हील, ये किस में मूव करता है, ओनली सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये सिचुएशन होती है। ये किसकी सिचुएशन होती है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये सिचुएशन होती है, मान लो जो m1 मास है वो r1 डिस्टेंस पे है, और इधर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितने से जाएगा, बोलो v1c से, क्योंकि v1c क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसे क्या लिखूंगा मैं, बोलो ओमेगा इनटू r1। ऐसे कोई m2 मास ये इधर जाएगा, और ये मान लीजिए r2 डिस्टेंस पे, ये कितने से जाएगा, ओमेगा इनटू r2 से, और ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, समझ आ रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही सर्कुलर मोशन में, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ओनली इनके पास में ये वेलोसिटीज होंगी। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ओमेगा r1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ओमेगा r2। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इनको, हाफ इंटू एम वन, वी वन सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा आर वन, तो हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं हाफ एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं, समझ आ रही है। और प्लस ये वाली टर्म को देखिए, ये वाली टर्म क्या बची थी, ये तो जीरो हो गई थी, ये वाली टर्म बची थी, और ये वाली टर्म को हम लिख सकते हैं, आप देखिए हाफ इंटू एम टोटल इंटू वी सी ओ एम स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर एंड दिस इज द एम टोटल ऑफ द बॉडी। ये क्या पता है आपको, आप खुद ही देखिए ये क्या है, इसमें से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा हाफ एम वन, हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बचेगा अंदर एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, ये पता क्या बचने वाला, हाफ सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये है बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी
आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये बताइए क्या है, ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इजीली कि हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल कंबाइंड मोशन में अगर कोई चलता है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो आया है वो आया है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम टोटल इंटू वी सी ओ एम स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, अगर कोई पहचान पाया हो कि मैं क्या इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं तो वो बताइए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आई है ना आई वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला था बताओ, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखे थे ये आर वन आर टू आर थ्री किसके रिस्पेक्ट में लिखे थे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखे थे, याद करो अभी के अभी यहाँ पे डायग्राम मैंने मिटाया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम कह रहे थे कि ओमेगा से घूम रहा है और इसके रिस्पेक्ट में ही हमने आर वन एम वन के लिए लिखा था और आर टू एम टू के लिए लिखा था, समझ आ रही है? तो आर वन आर टू आर थ्री किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो वी कैन से कि ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है बट ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आई है बेसिकली वो आई किसके रिस्पेक्ट में है, आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे जो आई है ये जो आई है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सो दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमेशा हम मिस कर जाते हैं कि ये क्यों होता है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पे वी वन सी और वी टू सी इनकी वैल्यूज रखी थी, तो हमने क्या लिखा था, ओमेगा आर वन ओमेगा आर टू और इनमें आर वन आर टू क्या थे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पोजिशन ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स जो कि पॉइंट मासेस थे, ठीक है ना? सो वी कैन से यहाँ पे अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया हाफ आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम टोटल वी सी ओम स्क्वायर। सो दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। लिखिए, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, क्या ये सॉलिड स्फीयर और ये इधर वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना? ये कितनी से, वी वेलोसिटी से जा रहा है और वी इक्वल टू दे रखा है आपको ओमेगा आर, वी इक्वल टू आपको दे रखा है ओमेगा आर और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है ओमेगा, ठीक है ना? ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास आपको दे रखा है कैपिटल एम और जिसका रेडियस आपको दे रखा है आर, ठीक है? ध्यान से समझिए, सॉलिड स्फीयर है जो वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है विच इज ओमेगा इनटू आर एंड द ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। सो अगर मुझे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, इस सिस्टम की मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो मुझे इसका देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ I C O M into omega square plus half M total V C O M square। मैं आपको बता दूं कि ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला निकल के आया है, इसके दो पार्ट होते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट हो गए पता है, एक तो ये पार्ट, ये पता क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये पार्ट पता है कौन सा है, ये है ट्रांसलेशनल, हम कहेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऐसी बॉडी की जो कि रोटेशनल भी कर रही है और ट्रांसलेशनल भी कर रही है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी वाले दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे, मतलब ये भी और ये भी। मतलब एक चीज और बताता हूँ आपको, काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी, आप सोचिए ये बॉडी है, अगर मैंने इसको फेंक के किसी पे मारा, ठीक है ना, इसको मैंने फेंका और फेंक के किसी पे मारा और ये क्या रोटेट नहीं कर रही, मान लीजिए ऐसे मैंने मारा तो यहाँ पे मुझे चोट लगेगी, क्यों चोट लगी, क्योंकि ये जब मेरे से टकराई तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी और वो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई और उसने डैमेज क्या किया, मेरे हाथ को डैमेज किया, ठीक है ना? दूसरी चीज कि मैं इसको ऐसे मान लीजिए रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट मान लीजिए एक एक्सिस ऐसे लगा दी और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ और मैंने अपना हाथ इसके बीच में लगा दिया तो ऐसे कुछ लगेगा। मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रही है ये रोटेट और ऐसे अगर हाथ मैंने बीच में अपना लगा दिया तो चोट लगेगी ना मेरे हाथ को, लगेगी। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि इसके पास में भले ही ये मूव नहीं कर रही, रोटेट कर रही है, तब भी इसके पास में एक एनर्जी है। और वो एनर्जी क्या कर रही है, अगर मैं घूम रही है ये ऐसे और बीच में अपना हाथ लगा देता हूँ तो इसको हाथ को क्या करती है, डैमेज कर रही है। वो डैमेज क्यों कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि जब ये रोटेट कर रही है ना, रोटेट कर रही है तो इसके पास में एक एनर्जी है, और जब ये हाथ में बीच में लगाता हूँ तो इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है और वो क्या करती है, वो एनर्जी मेरे हाथ को डैमेज करती है। अब मैं दोनों काम कर रहा हूँ, जो ये रोटेट करने करते टाइम जो इसके पास में जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में थी, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी। अब मैं दोनों काम कर रहा हूँ, इसे घुमा रहा हूँ और इसे फेंक रहा हूँ, मतलब घुमा के मार रहा हूँ, समझ आ रही है, घुमा के मार रहा हूँ। तो जब किसी को लगेगी तो आपको पता है डबल चोट लगेगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट मैं ऐसे मारा सीधा और एक घुमा के ऐसे, ओनली घूम रहा था, आगे मूव नहीं कर रहा था। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे किसी पे मार रहा हूँ कि इसको घुमा भी रहा हूँ और इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी दे रहा हूँ, मतलब इसको कंबाइंड मोशन दे के मैं हाथ पे गिरा रहा हूँ, ऐसे घुमा के इस हाथ पे मारूंगा ना तो मेरे हाथ को ज्यादा चोट लगेगी, मतलब ज्यादा डैमेज होगा। क्यों, क्योंकि जब ये घूम के ऐसे जा रही होती है ना तो इसके पास दो काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, समझ आ रही है। तो आप ध्यान रहे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो घूम के जा रही है ना वो ज्यादा डैमेज कर सकती है, समझ आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू द ओनली ट्रांसलेशनल और ओनली रोटेशनल में, समझ आ रही है। तो ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम फील कर सकते हैं कि घूम के जाएगी तो उसके पास में एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब देखिए इसके लिए बात करें हम, तो इसमें तो सिंपल सी बात है, देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल हाफ ICOM, ICOM इसका कितना होगा 2/5 mR², और ओमेगा कितना दे रखा है, V/R दे रखा है, तो V/R का स्क्वायर, ठीक है, हाफ m टोटल इसका m दे रखा है, ठीक है ना, और VCOM कितना दे रखा है V, तो V² ठीक है। तो यहां देख सकते हैं इट इज, ये हो जाएगी V² / R², कितना हो जाएगी, V² / R², R² से R² गया, तो MV² / 5 + MV² / 2, एज यू कैन सी इट इज इक्वल टू MV² / 7/10 MV² इज द नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस